हेलो एवरीवन, आलिया भट्ट की फिल्म डार्लिंग इन दिनों काफी चर्चा में है। आलिया ने अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों का खूब दिल जीता है और अब इस फिल्म से बतौर प्रोड्यूसर अपनी नई पारी की शुरुआत करने जा रही है। फिल्म में अभिनय के साथ साथ प्रोडक्शन का कमान भी आलिया ही संभाल रही है और यह फिल्म 5 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। आलिया भट्ट और शेफाली शाह की रोमांचक मूवी डार्लिंग का ट्रेलर आउट हो गया है। फिल्म का ट्रेलर देखने में बहुत ही ज्यादा दमदार लग रहा है, साथ ही इसकी स्टोरी भी काफी दिलचस्प नजर आ रही है। ट्रेलर देख के इस फिल्म में सस्पेंस और कॉमेडी का बढ़िया कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। कुछ फिल्मों के ट्रेलर आते ही ऑडियंस को अपनी ओर अट्रैक कर लेते हैं। डार्लिंग मूवी का ट्रेलर भी कुछ ऐसा ही है। आलिया भट्ट की दमदार आवाज में होती है इसकी शुरुआत और यहीं से कहानी का सस्पेंस शुरू हो जाता है। वहीं फिल्म की शूटिंग भी काफी मजेदार है जो दर्शकों को जोड़ने में काफी मदद करती है। आलिया भट्ट और शेफाली शाह की जोड़ी इस फिल्म में कोई तगड़ा खेल खेलती दिख रही है जो बेहद खतरनाक नजर आ रहा है। ट्रेलर देखकर यह पता चल रहा है कि आलिया एक मुस्लिम परिवार की बहू है और उनका हस्बैंड उन्हें अलग अलग तरह से टॉर्चर करता है, जिसके बाद उस बदला लेने का ठान लेती हैं और उसी तरह जिस तरह से आलिया को टॉर्चर किया गया है वो अपने पति को बांध कर टॉर्चर करती हैं, उन्हें अलग अलग तरह से परेशान करती हैं और उसे दुनिया से छुपा कर रखती हैं और पुलिस स्टेशन में यह रिपोर्ट दर्ज कराती हैं कि वह गुमशुदा हो गए हैं, गायब हो गए हैं, पर असल सच्चाई यह होती है कि वह उन्हें बांध कर रखती है और अलग अलग तरह से टॉर्चर करती हैं। विक्रम वर्मा का किरदार भी काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। डार्क कॉन्सेप्ट वाली इस फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद आप फिल्म देखने में काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। बता दें कि जसप्रीत नेन की ओर से डायरेक्टेड फिल्म डार्लिंग को शाहरुख खान के रेड चिली एंटरटेनमेंट और आलिया की इंटरनल सनशाइन प्रोडक्शन मिलकर बना रहे हैं। इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा। यह मुंबई पर आधारित फिल्म बताई जिसकी कहानी एक माँ बेटी के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है जो असाधारण परिस्थितियों का सामना करती है, इसे जीवन में सभी बाधाओं के खिलाफ बनाने की कोशिश करती है। फिल्म के लिए संगीत फिल्म निर्माता संगीतकार विशाल भारद्वाज ने दिया और गीत अनुभवी गीतकार गुलजार द्वारा लिखे गए हैं। ट्रेलर देखकर यह पता चल रहा है कि इसकी स्टोरी काफी यूनिक और अलग कंटेंट वाली होने वाली है एंड कॉमेडी के साथ साथ डार्क सीक्रेट्स भी छुपे हुए हैं जो हमें फिर मूवी देखकर ही पता चलेंगे। चलिए उतरा मेरा रिव्यू, अब आप बताइए आपने ट्रेलर देखा कि नहीं देखा, तो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।